अपने साथ ही मक्का को बेच दिए। ये देखो ये थोड़ा बड़ा साइज का मक्का की मदद से थोड़ा ठीक ठाक कमाई हो रहा है यार। ये 500 का नोट है दोस्तों, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 11, 12। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो अभी बज गए हैं दोस्तों सुबह के 6 और अभी हम लोग फिर से आ चुके हैं भिंडी की हार्वेस्टिंग करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, इस साइड के भिंडी को कल हार्वेस्ट किए थे और मक्का भी ले गए थे, और आज नीचे साइड के भिंडी को हार्वेस्ट कर रहे हैं। ये देखो मक्का भी हार्वेस्ट किए हैं बहुत सारा, 2-3 झोला तो लगभग मक्का ही हो जाएगा, और भिंडी देखते हैं कितना सारा निकला है, फिर आज लेके चलेंगे भाई। चलो हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। भिंडी को हार्वेस्ट करके आ गया हूँ घर के पास, और ये देखिए इतना सारा भिंडी है, और थोड़ा सा बचे है उसको मम्मी लोग तोड़ के ला रहे हैं। मैं इसको झोला में भरना स्टार्ट करता हूँ। अभी गाइस मैं ब्रश वगैरह करके तैयार हो चुका हूँ मार्केट जाने के लिए, और ये देखिए इतना सारा मक्का है 2 झोला, और इसमें भिंडी और थोड़ा सा बरबट्टी है। और ये देखो भाई, भिंडी को झोला में डाल रहे थे लेकिन झोला में नहीं आया तो बोरी में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। 1 बोरी हो चुका है और इसमें थोड़ा सा बच गया है। चलो अब गाड़ी को लोड करते हैं। गाड़ी को लोड कर लिए हैं, ये देखो अब चलिए चलते हैं मार्केट। मक्का के लिए लेट हो गया है यार, सुबह ही मक्का का मार्केट लगता है, लेकिन भिंडी को हार्वेस्ट कर रहे थे इसी कारण से लेट हो गया। चलो अब देखते हैं क्या होता है, फिलहाल तो यहाँ से निकलते हैं। अभी गाइस मार्केट पहुँच चुके हैं और आपके साथ ही मक्का को बेच दिए। ये देखो ये थोड़ा बड़ा साइज़ का मक्का है, इसको 360 रुपये सैकड़ा में दिए हैं, और छोटा वाला बचा है यार, इसको खाली करने के लिए लाया हूँ। ये देखो यहाँ पे भाई, चलो इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अभी का इस भुट्टा को ट्रांसफ़र करके आ चुका हूँ फिर से किसान मार्केट के पास, और ये देखो 1 झोला बचा हुआ है छोटा वाला, और भिंडी बचा हुआ है, चलो इसको भी बेचते हैं जल्दी जल्दी में। वहाँ पे वीडियो ही शूट नहीं कर पाया यार, उनका गाड़ी आ गया था इसीलिए। चलो इनको बेच देते हैं, देखते हैं ये क्या रेट में बिकता है। चलो ये मक्का भी बिक गया, चाचा को दिए हैं 150 रुपये में, चलो इसको भी ट्रांसफ़र कर देते हैं भाई। चलो मक्का को भी ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ये देखो, और भैया 320 के रेट से ही जोड़वाए हैं यार, भचर भचर कर दिए, और 10-12 मक्का उसमें एक्स्ट्रा दे दिया हूँ, और भिंडी को 15 रुपये किलो में दे दिए, ये भी लिए हैं। चलो अब मक्का का तो काम क्लियर हो गया, भिंडी को भी छोड़ के आते हैं, और ये थोड़ा सा बरबट्टी है यार, उसको भी बेचेंगे। भिंडी को तौल लिए हैं, ये देखो भैया यहाँ पे डाल रहे हैं भिंडी को। मार्केट को देखिए कुछ इस प्रकार से भीड़ है अभी, ये देखिए इस साइड पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, अभी शुरुआती एरिया में है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है यार। आगे साइड क्या क्या सब्जी आया है उसको देखेंगे, आज सब्जियाँ बहुत कम आया है। भिंडी का भी रेट 15-16 रुपये 17 रुपये तक जा रहा है, लेकिन मैं दे दिया यार, ज़्यादा रोकता टोकता नहीं, थोड़ा 1-2 रुपये चक्कर में बाद में फिर कम हो जाते हैं, उससे अच्छा दे दिया। चलो इसको खाली कर लेते हैं, ये देखो भैया ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने झोला में। चलो गाइस सब्जी को ट्रांसफ़र कर दिए हैं, आधा को इस झोला में डाले हैं और आधा को इस झोला में, और पैसा भी मिल चुका है यार। ये देखो 450 रुपये का हुआ है भाई,
बरबट्टी को भी दे दिए हैं यार भैया को ही 20 रुपये में, 2 किलो के आसपास था, 2 किलो नहीं होगा कम से कम 1.5 किलो तो रहा ही होगा, दे दिया यार उसी चक्कर में कहाँ बैठे रहता, इससे अच्छा दे दिया। और चलिए ग्राउंड अब मार्केट को घूम लेते हैं, उसके बाद घर जाएंगे, देखते हैं क्या क्या सब्जियाँ आया हुआ है। इस साइड देखो पूरा सब्जियाँ रहता था, आज वो एकदम कम हो गए। भिंडी देखो इधर रखा हुआ है, इधर बरबट्टी रखा हुआ है, बरबट्टी आज बहुत रखा हुआ है, लेकिन ये देखो इधर भी सब्जियां नहीं है आज उतना ज़्यादा। आज सब्जी कम आया है यार, तभी भिंडी जल्दी बिक गया 15 रुपये किलो में, वरना 12 रुपये हो गया था कल लेट में। देखो इधर भी भिंडी रखा हुआ है, भिंडी बचा हुआ है, लेकिन अभी इधर धनिया बहुत सारा रखा हुआ है। इस साइड देखो पूरा खाली है, आज सब्जी नहीं आया है तभी थोड़ा रेट बढ़ा बढ़ा सा लग रहा है। भिंडी कल लेट में हुआ था 12 रुपये, आज भिंडी का रेट बढ़ गया है। ये देखो इस साइड भी पूरा खाली है, सब्जियां ही नहीं रखा है यार आज, मैं कम में दे दिया लग रहा है, 16-17 रुपये किलो जाए रहता है। इधर मूली वगैरह रखा हुआ है, तगड़ा मूली है, 14-15 रुपये किलो जा रहे हैं मूली। इधर भी थोड़ा भिंडी रखा है, मूली रखा है, और ये बरबट्टी, इधर भी मूली। अब कुछ नहीं है गाइस, बस इतना ही सब्जी है, मूली आया है, भिंडी आया है, बरबट्टी आया है, बाकी मार्केट में उतना ज़्यादा सब्जी नहीं आया है। कमीशन साइड को भी दिखा देता हूँ, कमीशन में कुछ इस प्रकार से हाल है। ये देखो पत्ता गोभी आया हुआ है, क्या रेट है भैया पत्ता गोभी? 25 रुपए किलो, बढ़िया रेट है। नंग ये देखो यार एकदम छोटा छोटा है, 25 रुपए नंग, 40 बिकेगा। और गोभी नहीं आया क्या? फूल गोभी क्या रेट है, क्या रेट कटेगा वो? 25-30। पत्ता गोभी 25 रुपए नंग है, और फूल गोभी आएगा वो 25 रुपए से 30 रुपए किलो कटेगा भाई। आपके साइड फूल गोभी और पत्ता गोभी का होलसेल में क्या रेट है कमेंट बॉक्स में बताना। और ये कद्दू है, ये 16 रुपए किलो है, और वो वाला कद्दू 18 रुपए। और इधर मुनगा भी रखा हुआ है, क्या रेट है भैया मुनगा? 30 रुपए किलो, 30 रुपए के जी है। और सीधा बोरी लोग एक बोरी तो मिलेगा भाई 25 रुपए किलो, 5 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा पूरा बोरी लोगे तो। इधर बरबट्टी वगैरह भी आया हुआ है, इनका बोली अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी बोली स्टार्ट नहीं हुआ है। बरबट्टी आया है, और पत्ता गोभी आया है, फूल गोभी आने वाला है बता रहे हैं, और मुनगा आएगा, मुनगा भी ठीक ठाक है वैसे 25 रुपए किलो के आसपास जा रहा है। तो इस साइड भी मुनगा वगैरह रखा हुआ है, इस साइड भी मुनगा है, पूरा मुनगा मुनगा ज़्यादा आया है। इस साइड मुनगा और पत्ता गोभी है, इस साइड भी मुनगा है। आज कमीशन में भी उतना खास सब्जी नहीं आया है, मुनगा ज़्यादा आया है, पत्ता गोभी आया है, और क्या कद्दू है थोड़ा बहुत, और एक आध दो जगह करेली है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे रखा हुआ करेली है। खास खास सब्जियाँ नहीं आए हैं उतना ज़्यादा, और प्लेट में आ भी सकता है, लेकिन हम नहीं रुकेंगे भाई, अब निकल रहे हैं यहाँ से, अपना सब्जी भी चुका है, आज जल्दी घर जा रहा हूँ। सो गाइस मैं मार्केट से आ चुका हूँ, और मार्केट की बात करें तो मस्त था भाई आज मार्केट, भिंडी बहुत जल्दी बिक गए आज जाते साथ ही, भिंडी भी बिक गए और मक्का भी बिक गए। और भिंडी आजकल थोड़ा ठीक ठाक रेट में चल रहा है, 15 रुपये के आसपास, वरना बीच में तभी 7-8 रुपये हो गया था। अभी रेट इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि कोरबा से व्यापारी लोग आते हैं, बड़े व्यापारी, वो लोग सीधा 5 क्विंटल 10 क्विंटल ऐसा भिंडी ले जाते हैं पिकअप भर के कोरबा, इसीलिए ना थोड़ा रेट बढ़ा हुआ है भिंडी का, 15 रुपये किलो गया। और मक्का का रेट अच्छा है, लेकिन अपना मक्का छोटा साइज का है यार, इसीलिए कम रेट में गया। और आज मार्केट में उतना ज़्यादा सब्जियां भी नहीं रखा हुआ था यार, पता नहीं सुबह से क्या हुआ था, सब्जियां ही बिक गया था, 2-4 रखा हुआ था, भिंडी बरबट्टी ज़्यादा रखा था, और मूली, बाकी कुछ सब्जी नहीं दिख रहा था, कमीशन साइड दिख रहा था। फूल गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी नहीं आया था लेकिन आएगा बोल रहे थे, पत्ता गोभी आया था और मुनगा ज़्यादा आया था, करेली किसी किसी जगह था। चलो शुक्रवार के दिन मार्केट डाउन रहता है, आज थोड़ा ठीक ठाक रेट में बिका सब्जियां, और मैं आज कितने का बेचा हूँ उसको आपके सामने में गिन के बताता हूँ। मक्का की मदद से थोड़ा ठीक ठाक कमाई हो रहा है यार, बड़ा बड़ा मक्का आया रहता मस्त 600-650 रुपये सैकड़ा जा रहा था, एक मक्का 6.50 रुपये ऐसा रेट का पड़ रहा है, और हम जो बेचे हैं वो मक्का पड़ा है भाई
थोड़ा मीडियम साइज का था वो 3 रुपए 20 पैसे और छोटा वाला 1 रुपए 20 पैसे। चलो टोटल कितने का बेचें उसको गिन देता हूँ। ये 500 का नोट है दोस्तों, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 11, 12, 13, 14 1400 रुपये है गाइस, लेकिन ज़्यादा का बेचे हैं यार। कितने का बेचे हैं उसको बता देता हूँ। मीडियम वाला मक्का था वो 720 रुपये का हुआ था, छोटा वाला मक्का 320 रुपये का, और भिंडी हुआ था 450 रुपये का, और थोड़ा सा बरबट्टी था उसको 20 रुपये में दे दिए थे। तो इन सभी को कैलकुलेट करें गाइस तो हो रहा है अपना 1520 रुपये, जिसमें से 1400 रुपये है, 120 रुपये खर्चा हो गया। हेयर वगैरह कट कराया हूँ और समोसा बड़ा लाया हूँ घर के लिए, उसमें खर्चा हो गया 120 रुपये, और 1400 रुपये अपने पास बचे हैं भाई, जो आज का कमाई है। और ये एक दिन का कमाई नहीं है यार, ये मत सोचना कि ये एक दिन का कमाई है, इसके पीछे 3 महीने से मेहनत कर रहे हैं उसका फल है ये। और ये भी हुआ वो मक्के की वजह से हुआ इतना, वरना भिंडी 485 रुपये का हुआ था, और भिंडी का भी 2 बारी कर दिए हैं, डेली अब हार्वेस्ट करते हैं भिंडी को, आधा को आज किया है आधा को कल करेंगे। और मक्का अभी लगभग 1 हफ्ते से निकलेगा, उसके बाद भले से ख़त्म होगा, मक्का बहुत सारा बचा हुआ है। मक्का का साइज लेकिन उतना बड़ा बड़ा नहीं आ पाया, पास पास में लगा दिए, थोड़ा दूर में लगा रहता तो अच्छा बड़ा बड़ा साइज का आया रहता। तो ठीक है दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से रहा आज का मार्केट फिलहाल, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा आज का ये ब्लॉग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। कुछ इसी प्रकार से खेती बाड़ी और वेजिटेबल सेलिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स देखने के लिए तो मिलता है गाइस अगले ब्लॉग में। जय जय भारत।